गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन नंबर 17 फसलों का त्यौहार का पेज नंबर 107 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर जगह पे त्यौहार एक ही मनाए जाते हैं, पर उनके नाम और उनके मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि झारखंड में सरहुल का त्यौहार 4 दिनों के लिए बड़े जोश से मनाया जाता है, और जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, वहाँ के सारे स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजरे लेकर अपने घर के सामने एक पंक्ति में खड़े होकर कमर में हाथ डाल के रात भर नाचते गाते हैं, और फिर खाने पीने का जश्न चलता है, और तीसरे दिन धान की पूजा होती है। तो चलो अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। पूजा किया हुआ धान अगली फसल में बोया जाता है, अर्थात जिस धान की पूजा की जाती है उसकी उसको जब अगली बार फसल कटाई हो जाती है फसल की, और जब दोबारा फसल बोना होता है तब उस जो इस धान की पूजा की जाती है उसे ही बोया जाता है। समझ आया बच्चों आपको? अब देखो, पूजा के बाद लोग अपने कान में सरे के फूल पहनते हैं। जो फूल होते हैं उसको कानों में पहनते हैं। वसंत ऋतु की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। वो लोग मानते हैं कि वसंत ऋतु की शुरुआत आज के दिन से ही होती है जब वो लोग धान बोते हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को मनाने का ढंग ही निराला है। मकर संक्रांति या फसलें का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। मकर संक्रांति या फसलों का त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में 3 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी, दूसरा दिन संक्रांति, और तीसरा दिन कन्नमों के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? कन्नमों के रूप में। वसंत ऋतु के आगमन पर बेकार और अनुपयोगी, यानी जिनका उपयोग ना हो, चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करके चलाया जाता है। अर्थात उनके घर में जो भी सामान उपयोग का ना हो उनको एक दिन इकट्ठा करते हैं और उस दिन उनको जला देते हैं। इस तरह से जलाने की क्रिया को भोगी कहते हैं। जैसे आपको पहले बताया ना कि पहला दिन भोगी, दूसरा दिन संक्रांति और तीसरा दिन कन्नमों के रूप में मनाया जाता है। तो जो भोगी होता है उसका मतलब क्या, वो उन्होंने बताया है कि जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है यानी आती है, उस दिन वो लोग सब घर की बेकार चीज़ें जिनका घर में कोई उपयोग ना हो उनको लाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं बच्चों? जला देते हैं। और इस तरह से वो जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया को वो लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को वो लोग भोगी कहते हैं। समझ आया बच्चों? क्या कहते हैं? भोगी। इस दिन घर के आंगन में सजी रंगोली के बीच में गोबर का गोला बनाकर उसमें घास के तिनके लगाए जाते हैं, और चारों ओर बेर, गन्ने के टुकड़े और नए चावल के आटे से बनी छोटी छोटी गोलियां उस पर रखते हैं। नई फसल व फसल के चावल, गुड़, मूंग की दाल में घी और दूध मिलाकर मिठाई बनाते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस त्यौहार का जो दूसरा दिन होता है वो हम कैसे, मैंने आपको ऊपर बताया कि संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अब संक्रांति के दिन वो लोग क्या करते हैं? इस दिन घर के आंगन में सच्ची रंगोली के बीच में गोबर यानी काउ डंग, जो गाय गोबर करती है ना, आप जिसके छाने, आप दूध वाले और सब छापते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं? छाने बोलते हैं ना। तो वैसे वो लोग उस गोबर का गोला यानी गोल बनाकर उसको घास के बीच में रखते हैं, उसमें घास यानी ग्रास के तिनके यानी टुकड़े लगाते हैं, और उसके चारों ओर क्या रखते हैं बच्चों? बेर यानी आप जिसे बोर कहते हैं, बेर, गन्ने के टुकड़े, गन्ना यानी शेडी, गन्ने के टुकड़े और नए चावल के आटे, नया चावल नया धान जो घर में आता है उस आटे से नए चावल के आटे की गोलियां बनाते हैं, यानी छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं चॉकलेट जैसी, और नई फसल के चावल, नई फसल में जो चावल उगाते हैं उस चावल में गुड़, मूंग की दाल, घी और दूध मिलाकर मिठाई बनाते हैं। तो हर जगह हर त्योहारों पर जो फसल उगती है उसी फसल से, उसी धान से बच्चों मिठाई बनती है। जैसे साउथ में नारियल उगता है तो वहाँ के लोग नारियल का तेल खाते हैं, हमारे गुजरात में मूंगफली ज़्यादा उगती है तो हम मूंगफली का तेल खाते हैं, और पंजाब में जैसे सरसों ज़्यादा उगती है तो वहाँ के लोग सरसों का तेल खाते हैं। तो उसी प्रकार जिस जहाँ पे जो धान उगता है वह लोग उसी धान की मिठाइयाँ बनाकर, और गुड़ तो बच्चों सब जगह होता ही है,
गुड़ तो आपको पता है कि गन्ने में से बनता है, तो उसमें चावल के में गुड़, मूंग की दाल में घी और दूध मिलाकर मिठाई बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं ये सब चीज़ें बच्चों, वो ध्यान रखना है, वह सब आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। इस प्रकार उनका दूसरा दिन संक्रांति के रूप में पूरा होता है, पहला भोगी दूसरा संक्रांति। आपको भोगी में भी बता दिया क्या करते हैं और संक्रांति में भी बताया क्या करते हैं। अब जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये इनका तीसरा दिन है कनमू। इस दिन वो लोग गाय की पूजा करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग के बिना उनका जश्न पूरा नहीं माना जाता। तो चलो अब पढ़ते हैं कि तीसरे दिन कनमू में वो लोग पूरा विस्तृत से कि क्या क्या करते हैं। तीसरे दिन कनमू मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग बिरंगी गुड़ियों से घर सजाते हैं, गाय और बैलों को सजाकर विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कनमू में ये लोग रंग बिरंगी गुड़ियों से घर सजाते हैं, गाय और बैलों को सजाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आपको यह सब चित्र में भी दिख रहा है। इस दिन पतंग के बिना तो जश्न अधूरा ही माना जाता है, यानी इस दिन अगर पतंग ना उड़ाएं तो इनका ये जश्न पूरा नहीं होता, इनका ये त्यौहार पूरा नहीं होता। इस दिन पतंग के बिना तो जश्न पूरा ही नहीं होता। इस दिन आसमान की ओर नज़र उठाकर देखें तो हजारों लाखों पतंगों से पूरा आसमान ढक सा जाता है। बच्चों, जिस प्रकार गुजरात में हम लोग मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी पूरे आसमान में लाखों करोड़ों पतंगे आसमान में उड़ रही होती है और आसमान ढका सा, यानी आसमान तो दिखता ही नहीं है। क्या दिखती है बच्चों? खाली पतंगे ही दिखती हैं। कुमाऊँ में मकर संक्रांति को दुदुतिया कहते हैं। अब कुमाऊँ में इस संक्रांत को, इस त्यौहार को दुदुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। आटे को और गुड़ को, जैसे हम लोग सुखड़ी बनाते हैं ना गुजरात में, वैसे कुमाऊँ में भी आटे और आटे के अंदर गुड़ डालकर उसका आटा गूंदते हैं और उससे पकवान बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पकवान बनाते हैं और फिर इन पकवानों को, फिर इस गुड़ और आटे में से, इन पकवानों में से वह डमरू, तलवार, फूल आदि के अलग अलग आकार के, आकार यानी शेप के वह खिलौने बनाते हैं आटे और गुड़ के गूंदे हुए आटे से, और इस प्रकार वह उन्हें शेप देते हैं। आप लोगों को भी जैसे अलग अलग शेप के स्माइलियाँ होती हैं, अलग अलग शेप के मम्मी कभी अलग पराठे बनाती है, कभी गोल, कभी चकोर, इस तरीके से वहाँ पे भी गुड़ और आटे को गूंदकर उनके अलग अलग पकवान को बनाकर उनको शेप देते हैं। तो बच्चों, आज हमने 107 पेज पढ़ लिया है और समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर फसलों से रिलेटेड यह चैप्टर है। ओके, थैंक यू।